Dear students, assalamu alaikum. I welcome you all in the ninth lecture of the course Introduction to Exceptionalities. I am your instructor Asma Zaheer. Agenda of today's lecture is to discuss the classification and characteristics of persons with learning disabilities. In our last lecture, we discussed about definition, identification and assessment, prevalence and causes of learning disabilities. So in this lecture, we are going to discuss classification and characteristics of children or students or individuals with learning disabilities. Psychological and behavioral characteristics. Before discussing some of the most common characteristics of people with learning disabilities, we point out two important features of this population. People with learning disabilities exhibit a great deal of both inter-individual and intra-individual variation. So, ये इनके features हैं कि learning disabilities के two broad या two common features हैं इनके characteristics को discuss करने से पहले जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. पहला है इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन और दूसरा है इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन. इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन. इन एनी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, सम विल हैव प्रॉब्लम्स इन रीडिंग, सम विल हैव प्रॉब्लम्स इन मैथ, सम विल हैव प्रॉब्लम्स इन स्पेलिंग, सम विल बी इनअटेंटिव एंड सो ऑन. वन टर्म फॉर सच इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन इज हेट्रोजेनिटी. Although heterogeneity is a trademark of children from all the categories of special education, the old adage "no two are exactly alike" is particularly appropriate for students with learning disabilities. This heterogeneity makes it a challenge for teachers to plan educational programs for the diverse group of children they find in their classroom. So, हर बच्चा जो है एक दूसरे से डाइवर्स होता है. किसी को लर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी को रीडिंग हो सकते हैं, किसी को मैथ का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को स्पेलिंग का हो सकता है. सो ये प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चों के साथ चलते रहते हैं और हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट है. जबकि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ में भी ऐसा ही होता है. वो भी हर बच्चा अपने लिहाज से जो है उसकी अपनी पेस होती है. हर बच्चे के अपने कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स है, हर बच्चे के अपने सोशल प्रॉब्लम्स हैं. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ऐसे ही होता है और लर्निंग डिसेबिलिटी में भी ऐसे ही है कि इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन है. हर बच्चे एक बच्चे से दूसरे से मुख्तलिफ है. और उसके अलावा इंट्रा इंडिविजुअल वेरिएशन भी है. इन एडिशन टू डिफरेंसेस अमंग वन एंड अदर, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज आल्सो टेंड टू एग्जिबिट वेरिएबिलिटी विद इन देयर ऑन प्रोफाइल्स ऑफ एबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड माइट बी टू और थ्री ईयर्स अबव ग्रेड लेवल इन रीडिंग but 2 or 3 years behind grade level in math. Such uneven profiles account for references to specific learning disability in the literature on learning disabilities. So ये जो है क्या मसला हो सकता है बच्चों के साथ, के हो सकता है वो रीडिंग में तो अबव लेवल पे हो और मैथ में वो बिल्कुल ही अपने ग्रेड लेवल से पीछे हो. सो ये बच्चे इंट्रा इंडिविजुअल भी इनमें वो फीचर्स पाए जाते हैं कि ये खुद भी अपने ही पेस का एक से दूसरे सब्जेक्ट में मुकाबला नहीं कर पाते हैं. सो लेट्स कम टू द करेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स और इंडिविजुअल्स और चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज. हियर वी हैव ऑलमोस्ट 7 डिफरेंट डोमेन्स इन विच वी वर डिस्कस देयर करेक्टरिस्टिक्स. एकेडेमिक अचीवमेंट प्रॉब्लम्स, परसेप्चुअल मोटर perceptual motor and general coordination problems, disorders of attention and hyperactivity, memory and metacognitive problems, social emotional problems, motivational problems, inactive learner with strategy deficits. First, we are going to discuss academic achievement problems. Academic deficits are the hallmark of learning disabilities by definition. If an academic problem does not exist, a learning disability does not exist. So, इन बच्चों के साथ एकेडमिक प्रॉब्लम्स होते हैं. एकेडमिक प्रॉब्लम्स किन एरियाज़ में होते हैं, जहाँ पर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में या लैंग्वेज को स्पोकन लैंग्वेज को एग्जिबिट करने में इनको प्रॉब्लम्स होते हैं, रिटन लैंग्वेज को एग्जिबिट करने में इनको प्रॉब्लम्स होते हैं. तो ऐसे एकेडमिक एरियाज जहाँ पर लैंग्वेज का यूज़ हो, वहाँ पर ये बच्चे जो है फॉल होते हैं या वहाँ पर ये मतलब मीट नहीं कर पाते हैं अपने एज मेट्स को या नॉर्म्स को.
सो इनको रीडिंग के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रिटन लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्पोकन लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और मैथ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर हम रीडिंग पे बात करें, रीडिंग पोजेस द मोस्ट डिफिकल्टी फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। स्टूडेंट्स विद रीडिंग डिसेबिलिटीज आर लाइकली टू एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स विद थ्री आस्पेक्ट्स ऑफ रीडिंग, डिकोडिंग, फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रीहेंशन। ऐसे बच्चे जो कि रीडिंग प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज की कैटेगरी में, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको रीडिंग को डिकोड करने में, रीडिंग की फ्लुएंसी में और रीडिंग की कॉम्प्रीहेंशन में जो है प्रॉब्लम होता है। सो डिकोडिंग, डिकोडिंग इज़ द एबिलिटी टू कन्वर्ट प्रिंट टू स्पोकन लैंग्वेज एंड इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एंड फोनेमिक अवेयरनेस। डिकोडिंग क्या है कि आपने प्रिंट, जैसे लेटर ए प्रिंट हुआ हुआ है, उसको प्रोनाउंस करना है अ, ठीक। तो ये बच्चा जो है वो लेटर को समझ ना पाए, उसको पता ना चले कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम जो है डिकोडिंग की प्रॉब्लम कहलाती है। और डिकोडिंग किन दो चीज़ों पे लार्जली डिपेंड कर रही होती है? फोनोलॉजिकल अवेयरनेस पे और फोनेमिक अवेयरनेस पे। अब फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या है? फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज द अंडरस्टैंडिंग डैट स्पीच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ साउंड सच एज वर्ड्स, सिलेबल्स एंड फोनेम्स। एंड फोनेमिक अवेयरनेस इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट विथ फोनेमिक अवेयरनेस। चिल्ड्रन विथ फोनेमिक अवेयरनेस अंडरस्टैंड डैट वर्ड्स आर मेड अप ऑफ साउंड्स और फोनेम्स। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड बैट कंसिस्ट ऑफ थ्री फोनेम्स, ब, अ, ठ। द अकम्पनिंग सक्सेस स्टोरीज फीचर्स डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ अ फिफ्थ ग्रेडर विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, अच्छा जी, कहा ये जा रहा है कि क्या बात है कि फोनेमिक अवेयरनेस क्या है या फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का पर्पस ये है कि हर बच्चे को ये पता हो कि स्पीच की मुख्तलिफ साउंड्स होती हैं, वर्ड्स की अपनी साउंड्स होती हैं, सिलेबल्स की अपनी साउंड्स होती हैं और फोनीम्स की अपनी साउंड्स होती हैं। और फोनेमिक अवेयरनेस क्या है? जैसे बच्चे के सामने वर्ड बैट लिखा हुआ है, तो वो ब, अ, ट को अलग अलग लेटर्स को उनकी साउंड्स के लिहाज से रिकग्नाइज कर सके। तो जब वो लेटर ए को डिकोडिंग के प्रोसेस में पढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है उसकी डिकोडिंग हो गई है। अगर नहीं पढ़ सकेगा, तो इसका मतलब है उसकी फोनोलॉजिकल अवेयरनेस और फोनेमिक अवेयरनेस की डेफिशिएंसी है, जिस पे काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद वो डिकोड करने के काबिल होगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है रीडिंग फ्लुएंसी की। रीडिंग फ्लुएंसी रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीड एफर्टलेसली एंड स्मूथली। रीडिंग रेट एंड द एबिलिटी टू रीड विद अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी। प्रॉब्लम्स विद रीडिंग फ्लुएंसी आर अ मेजर रीजन वाई स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टीज विद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग फ्लुएंसी में प्रॉब्लम्स होंगी, तो जाहिर है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी प्रॉब्लम होगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू गेन मीनिंग फ्रॉम वट वन हैज़ रेड। इन अदर वर्ड्स, रीडिंग टू स्लोली और इन अ हाल्टिंग मैनर इंटरफेयर्स विद द एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड टेक्स्ट। सो जब डिकोडिंग में प्रॉब्लम है, बच्चा बच्चे को फोनेमिक अवेयरनेस नहीं है, वो वर्ड्स को या लेटर्स को डिकोड नहीं कर पा रहा है उनकी साउंड के लिहाज से, तो इसका मतलब है कि उसकी रीडिंग फ्लुएंसी भी इम्पेयर्ड होगी। वो उतना ही टाइम लेगा रीडिंग में। जब रीडिंग इन्फ्लुएंसी इम्पेयर्ड होगी, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बिल्डअप नहीं होगी, क्योंकि उसको जो वो रीड कर रहा है उसकी वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रही होगी। जब उसको मीनिंग ही उसके माइंड में कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा होगा जो वर्ड वो रीड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको हर एरिया में प्रॉब्लम आ रहा है और काम करने की ज़रूरत है उसकी डिकोडिंग कैपेबिलिटीज पे। ठीक, तो ये थी रीडिंग अचीवमेंट प्रॉब्लम्स। इसके बाद हम सेकेंड डिस्कस करते हैं रिटन लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। पीपल विद लर्निंग डिसेबिलिटीज ऑफन हैव प्रॉब्लम्स इन वन और मोर ऑफ द एरियाज, हैंड राइटिंग, स्पेलिंग एंड कंपोजिशन। रिटन लैंग्वेज के किन एरियाज में उनको प्रॉब्लम होती है? हैंड राइटिंग में, स्पेलिंग में और कंपोजिशन में। पीपल हैंड ऑल द इवन द बेस्ट स्टूडेंट्स कैन हैव लेस देन परफेक्ट हैंड राइटिंग। द काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम डेम्स दैट सम स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज एग्जिबिट आर मच मोर सिवियर। दीज चिल्ड्रन आर समटाइम वेरी स्लो राइटर्स एंड देयर रिटन प्रोडक्ट्स आर समटाइम इलिजिबल।
Spellings can be a significant problem because of the difficulty in understanding the correspondence between sounds and letters. जैसे हमने पीछे डिकोडिंग की बात की कि इनको फोनेमिक अवेयरनेस नहीं होती है, इस वजह से इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं. In addition to the more mechanical areas of handwriting and spelling, students with learning disabilities frequently have difficulties in the more creative aspects of composition. For example, compared to non-disabled peers, students with learning disabilities use less complex sentence structure, include fewer types of words, write paragraphs that are less well-organized, include fewer ideas in their written products, and write stories that have fewer important components, such as introducing main characters, setting scenes, and describing a conflict to be resolved. So, इन बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि एक तो इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वीक सा होता है. सेंटेंसेस इतने अच्छे नहीं बना सकते अगर आप इनको कुछ कुछ क्रिएटिव राइटिंग लिखने के लिए दें. अपने सेंटेंसेस में वर्ड्स का यूज़ ये कम से कम करेंगे. पैराग्राफ्स इतना, अगर आप पैराग्राफ में भी लिख तीन चार सेंटेंसेस अगर लिखते हैं तो वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगा, उसमें कोई इतना आइडिया नहीं होगा. वही जो बार बार वो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो होंगे. कुछ स्टोरी के इतने कंपोनेंट्स नहीं इन्होंने डाले होंगे, बहुत कम करेक्टर, कम सीन और कम चीज़ों के साथ जो है वो उसको कंपोजिट करने की कोशिश करेंगे. मतलब उनकी जो कंपोजिशन कैपेबिलिटीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं. हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम है, स्पेलिंग का प्रॉब्लम है फोनेमिक अवेयरनेस की वजह से, और कंपोजिशन का प्रॉब्लम है कि वो पैराग्राफ राइटिंग या स्टोरी राइटिंग में बिल्कुल भी फिट नहीं होते हैं. इसके अलावा स्पोकन लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. मैनी स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज हैव प्रॉब्लम्स विद द मैकेनिकल एंड सोशल यूजेस ऑफ लैंग्वेज. मैकेनिकली दे हैव ट्रबल विद सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड एज वी हैव ऑलरेडी नोटेड फोनोलॉजी एबिलिटी टू ब्रेक वर्ड्स इनटू देयर कंपोनेंट्स. ये मैं बताती हूँ आपको क्या है. द सोशल यूज ऑफ लैंग्वेज आर कॉमनली रेफर टू एज प्रैग्मेटिक. स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज आर ऑफन इनेप्ट इन द प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ डिस्कोर्स. In short, they are not very good conversationalists. They cannot engage in the mutual give and take that conversation between individuals required. For instance, conversation of individuals with learning disabilities are frequently marked by long silences because they do not use the relatively subtle strategies that their non-disabled peers do to keep conversations going. So they are not skilled at responding to other statements or questions and tend to answer their own questions. Before their companions have a chance to respond, they tend to make task irrelevant comments and make those with whom they talk uncomfortable. In one often cited study, for example, children with and without learning disabilities took turns playing the role of a host in a simulated television talk show. In contrast to children with disabilities, children with learning disabilities playing the host role allowed their guest without disabilities to dominate the conversation. Also, their guest exhibited more signs of discomfort during the interview than did the guest of host without disabilities. सो साइंटिक्स क्या है कि ग्रामर का यूज़ उनको नहीं कर सकते हैं. सिमेंटिक्स क्या है कि वर्ड मीनिंग उनको नहीं आते हैं, वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. फोनोलॉजी का क्या प्रॉब्लम है कि वो वर्ड्स और साउंड्स का जो ब्लेंड है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं वर्ड्स में. और प्रैग्मेटिक्स ग्रामर को या आपने अपनी लैंग्वेज को किस सेटिंग में, सोशल सेटिंग में यूज़ कैसे करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है, ये चीज़ें वो समझ नहीं पाते हैं ये बच्चे, जिसकी वजह से इनको रेसिप्रोकल कन्वर्सेशन किसी के भी साथ करने में प्रॉब्लम होती है. ये अपने पीयर्स के साथ या अपने फेलोज़ के साथ या लोगों के साथ रेसिप्रोकल कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती है. सो मैथ के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑल्सो डिसऑर्डर्स ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड लैंग्वेज हैव ट्रेडिशनली रिसीव्ड मोर एम्फोसिस देन प्रॉब्लम्स विद मैथमेटिक्स. द लेटर आर नाउ गोइंग गेनिंग अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन. क्योंकि मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स इनको ज़्यादा हो रहे हैं. अथॉरिटीज नाउ रिकग्नाइज दैट मैथ डिसबिलिटीज मे बी जस्ट एज प्रेवलेंट एज एट लीस्ट अ क्लोज सेकेंड टू रीडिंग डिसबिलिटीज. अथॉरिटीज़ या रिसर्चर्स ने अब ये डिफाइन करना शुरू किया है कि मैथ के प्रॉब्लम्स भी उतने ही लाइकलीहुड है मैथ के प्रॉब्लम्स इन बच्चों में होने के जितने रीडिंग डिसेबिलिटीज़ का लाइकलीहुड है. रीडिंग डिसेबिलिटी की जो रेशो है वो ज़्यादा है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में.
सो वो कह रहे हैं कि मैथ की रेशियो भी अब उसके साथ ही कम्पीट कर रही है. द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दीज स्टूडेंट्स हैव इंक्लूड डिफिकल्टीज विद कंपुटेशन ऑफ मैथ फैक्ट्स एज वेल एज वर्ड प्रॉब्लम्स. जो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन होते हैं या फिर जो कंपुटेशन के क्वेश्चन होते हैं, ट्रबल विद लेटर इज ऑफन ड्यू टू इनएफिशियंट एप्लीकेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज. वर्ड प्रॉब्लम इनको इस वजह से होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना वो इस वजह से होते हैं क्योंकि ये जाहिर है इनकी लैंग्वेज इम्पेयर्ड है, ठीक है, लैंग्वेज इनकी अच्छी नहीं है, स्पोकन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज, जिसकी वजह से इनको मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम्स होते हैं. सो दीज वर द एकेडमिक अचीवमेंट प्रॉब्लम्स वी डिस्कस्ड, रिटन लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, ओरल स्पोकन लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, रीडिंग प्रॉब्लम्स एंड मैथ प्रॉब्लम्स. सो नाउ कम्स टू द सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, डेट इज परसेप्चुअल, परसेप्चुअल मोटर एंड जनरल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स. स्टडीज इंडिकेट दैट सम चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज एग्जिबिट विजुअल एंड और ऑडिटरी परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स. अ चाइल्ड विद विजुअल परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स माइट हैव ट्रबल सॉल्विंग पजल्स और सीइंग एंड रिमेंबरिंग विजुअल शेप्स. फॉर एग्जाम्पल, शी माइट हैव अ टेंडेंसी टू रिवर्स लेटर्स. अच्छा, सबसे पहले तो ये बात की जाती है कि आपने सेंसेस पढ़ी थी, आपने जैसे हमने अपने इंट्रोडक्शन सॉरी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के कोर्स में सेंसेस को मैंने आपको बताया था कि फाइव सेंसेस नहीं बल्कि एट सेंसेस होती है. तो आपने उसमें एक सेंस पढ़ी थी प्रोप्रियोस्पेक्टिव, ठीक, या उसको आप कह सकते हैं परसेप्चुअल सेंस जो आपने इसको पढ़ी थी. तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि विजुअल और ऑडिटरी सेंस जो है वो हमारी एक एट सेंस है जिस पे हम बात करते हैं. सो ये जो है इनको प्रॉब्लम होती है कि इनको परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रोप्रियोस्पेक्टिव इनको जो होती हैं प्रॉब्लम्स सेंस प्रॉब्लम होती है. सो इसी में विजुअल परसेप्चुअल प्रॉब्लम है और ऑडिटरी परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है. सो विजुअल और परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है कि बच्चे को पजल सॉल्व करने में, विजुअल क्यूज को या विजुअल शेप्स को रिकग्नाइज करने में, रिमेंबर करने में इन्हें प्रॉब्लम होता है. जैसे कि इसी वजह से ये लेटर्स को अच्छी तरह से डिकोड नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बी लिखा हुआ है तो वो बी की साउंड को डी की साउंड पढ़ेंगे क्योंकि वो लेटर की प्लेसिंग जो है उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते. इनको विजुअल ऑडिटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, इस वजह से ये समझ नहीं पाते. हमारे बच्चे भी मतलब नॉर्मल रूटीन में भी बच्चे ऐसे कर जाते हैं कि वो बी और डी की गलती कर जाते हैं, लेकिन उनको रिकग्निशन हो जाती है. सो लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ जो बच्चे होते हैं वो बी और डी को रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक. अच्छा जी, अ चाइल्ड विद विजुअल परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स माइट हैव ट्रबल सॉल्विंग पजल्स और सीइंग एंड रिमेंबरिंग विजुअल शेप्स. फॉर एग्जाम्पल, शी माइट हैव अ टेंडेंसी टू रिवर्स लेटर्स. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टेक अ बी फॉर अ डी, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया. अ चाइल्ड विद ऑडिटरी परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स माइट हैव डिफिकल्टी डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन टू वर्ड्स डैट साउंड नियरली अलाइक और फॉलोइंग ऑरली प्रेजेंटेड डायरेक्शंस, ठीक है, कि मतलब जो ऑडिटरी परसेप्चुअल प्रॉब्लम के साथ बच्चे जो हैं, जब सेम वर्ड बोला जाता है तो वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं, जैसे फिट एंड फिब, ठीक. तो ये दोनों वर्ड्स की साउंड जो है वो एक ही निकल रही है, FIT फिट एंड FIB फिब. तो वो इन वर्ड्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, इनकी साउंड्स को, और इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं. इस वजह से उनको ऑडिटरी परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो है वो इस तरह से होते हैं कि वो लिसनिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जाहिर है पीछे ही डिकोडिंग की कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, डिकोडिंग से उनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतनी अच्छी नहीं हो रही है, इसी वजह से उनको विजुअल और परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं. और विजुअल और ऑडिटरी परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होने की वजह से उनकी डिकोडिंग कैपेबिलिटीज भी अच्छी नहीं है, उनकी लिसनिंग भी अच्छी नहीं है, और उनकी स्पोकन और रिटन भी डिवेलप नहीं हो रही है. सो टीचर्स एंड पेरेंट्स हैव ऑल्सो नोटेड डेट सम स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज हैव डिफिकल्टी विद फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मोटर स्किल्स. दे डिस्क्राइब सम ऑफ दीज चिल्ड्रन एज हैविंग टू लेफ्ट फीट और 10 थम्ब्स. द प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व बोथ फाइन मोटर, स्मॉल मोटर मसल्स एंड ग्रोस मोटर.
Large motor muscle skills. Fine motor skills often involve coordination of the visual and motor system. So इनको coordination की problems होती हैं, overall body coordination की problems होती हैं. ठीक है, fine motor problems भी हो सकती हैं और small motor problems भी हो सकती हैं. Fine motor ज़्यादा होती हैं किस वजह से, इसी वजह से इनकी handwriting भी ख़राब होती है. ठीक है, जो हमने पीछे discuss किया कि इनकी handwriting का problem होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि इनकी fine motor skills जो है वो impaired हैं, ठीक नहीं है, और उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको. और फाइन मोटर स्किल्स की वजह से हमारा विजुअल मोटर सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है, हमारी, तो वो इनको उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती है विजुअल और इनके मोटर सिस्टम में. जैसे विजुअल साथ नहीं देता और जो मोटर इनकी लिखने की कैपेबिलिटीज़ हैं या हाथों को यूज़ करने की फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो काम नहीं कर रही होती हैं ठीक तरह से. सो परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि बाकी जो रीडिंग, राइटिंग, मैथ और लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह, रीडिंग सॉरी रीडिंग रिटन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज और मैथ के प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन सब चीज़ों की वजह से ही हैं क्योंकि उनको विजुअल, परसेप्चुअल, ऑडिटरी परसेप्चुअल और मोटर स्किल की प्रॉब्लम्स हैं या डिसऑर्डर्स हैं. सो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज इज डिसऑर्डर्स ऑफ अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी. स्टूडेंट विद अटेंशन डिस्प्ले स्टूडेंट विद अटेंशन प्रॉब्लम्स डिस्प्ले करेक्टरिस्टिक्स सच एज डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, इम्पल्सिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी. टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑफ दीज चिल्ड्रन ऑफन करेक्टराइज दैम एज बींग अनएबल टू स्टिक विद वन टास्क फॉर वेरी लॉन्ग, फेलिंग टू लिसन टू अदर्स, टॉकिंग नॉन स्टॉप, ब्लर्टिंग आउट द फर्स्ट थिंग ऑन देयर माइंड एंड बींग जनरली डिसऑर्गेनाइज इन प्लानिंग देयर एक्टिविटीज इन एंड आउट ऑफ स्कूल. दीज प्रॉब्लम्स आर ऑफन सीवियर इनफ टू बी डायग्नोज्ड एज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ऑल दो एस्टिमेट्स वेरी रिसर्चर्स हैव कंसिस्टेंटली फाउंड एन ओवरलैप ऑफ 10% टू 25% बिटवीन ADHD एंड लर्निंग डिसबिलिटीज. ठीक है, कि ADHD के साथ सॉरी लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ जो बच्चे होते हैं इनको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के प्रॉब्लम्स भी होते हैं. और जाहिर है वो क्यों होंगे प्रॉब्लम्स, जब वो इतना ज़्यादा फेलियर को फेस कर रहे होंगे अपनी एकेडमिक्स में तो उनको ये प्रॉब्लम्स नेचुरली हो जाते हैं. स्टूडेंट्स विद अटेंशन प्रॉब्लम्स डिस्प्ले करेक्टरिस्टिक्स सच एज डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, इम्पल्सिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी. डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, काम बार बार करते हैं, और हाइपर एक्टिव आपको अटेंशन नहीं दे पाते, इनका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम होता है. डी मेमोरी एंड मेटाकॉग्निटिव प्रॉब्लम्स. मेमोरी एंड मेटाकॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आर क्लोजली रिलेटेड. अ पर्सन हु हैज़ प्रॉब्लम्स इन वन ऑफ दीज एरियाज इज लाइकली टू हैव प्रॉब्लम्स इन एट लीस्ट वन ऑफ द अदर कॉम्पोनेंट्स एज वेल. अगर उसको मेमोरी का प्रॉब्लम है तो जाहिर है उसको मेटाकॉग्निटिव का भी प्रॉब्लम्स है. मेमोरी एंड मेटाकॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आर क्लोजली रिलेटेड. सो पहले हम डिस्कस करेंगे मेमोरी प्रॉब्लम्स को. पेरेंट्स एंड टीचर्स आर वेल अवेयर डैट स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज हैव प्रॉब्लम्स रिमेंबरिंग सच थिंग्स एज असाइनमेंट्स एंड अपॉइंटमेंट्स. इनफैक्ट दीज एडल्ट्स ऑफन क्लेम इन एक्सप्रेशन डैट दे कांट अंडरस्टैंड हाउ अ चाइल्ड हु इज सो स्मार्ट कैन फॉरगेट थिंग्स सो इजिली. स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज हैव एटलीस्ट टू टाइप्स ऑफ मेमोरी प्रॉब्लम्स, शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम एंड वर्किंग मेमोरी प्रॉब्लम. जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चे हैं इन्हें दो तरह के मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम्स है और दूसरे वर्किंग मेमोरी प्रॉब्लम्स है. शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व डिफिकल्टी रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन शॉर्टली आफ्टर हैविंग सीन और हेयर्ड इट. शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम्स क्या है कि आपने एक बात सुनी और यहाँ देखी तो आप फौरन ही उसको भूल जाओ, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम्स है. और वर्किंग मेमोरी प्रॉब्लम्स अफेक्ट अ पर्सनस एबिलिटी टू कीप इंफॉर्मेशन इन माइंड वाइल साइमल्टेनियसली डूइंग एंड अदर कॉग्निटिव टास्क. कोई और काम करते हुए किसी और काम की इंफॉर्मेशन को उस टाइम पे याद रखना दिमाग में, ये वर्किंग मेमोरी के प्रॉब्लम्स कहलाते हैं. कि साइमल्टेनियसली ये लोग जो या ये जो बच्चे हैं ये एक से ज़्यादा टास्क या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन अपने जहन में नहीं रख पाते हैं. अ गुड एग्जाम्पल इन्वॉल्व मैथ स्किल्स. Doing math computation often requires being able to hold certain facts or calculations in mind in order to do further calculation to arrive at answer. हम मैथमेटिक्स में क्या हमें होता है कि हम कैलकुलेशंस को अपने माइंड में रखते हैं ताकि हम फर्दर कैलकुलेशंस करते हुए आंसर तक पहुंच जाए. रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज परफॉर्म पुअरली ऑन मेमोरी टास्क इज दैट
Unlike their peers without disabilities, they don't use strategies. For example, when presented with a list of words to memorize, most children will rehearse the names of themselves. They will also make use of categories by rehearsing words in groups that go together. Students with learning disabilities are unlikely to use these strategies spontaneously. However, they can be taught memory strategies such as rehearsal, which research indicate can enhance their academic performance. क्या बात हो रही है कि रिसर्चर जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटीज के बच्चों को कुछ वर्ड्स याद करने के लिए दे दिए जाए तो वो कोई स्ट्रेटजी नहीं यूज़ करेंगे उन वर्ड्स को याद करने के लिए. अगर हम वही विदाउट डिसेबिलिटी के बच्चे को वो वर्ड्स याद करने के लिए देंगे ना तो वो क्या करेगा, बैट कैट मैट इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो कि एक कैटेगरी में या एक साउंड में आ रहे हैं उनको पहले याद कर लेगा, बाकी उनको बाद में याद कर लेगा. तो ये हम स्ट्रेटजीज डिफरेंट बच्चे जो है वो खुद से यूज़ करते हैं, ये सेल्फ स्टार्टर्स नहीं होते हैं. खुद से कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनको आती नहीं है. जाहिर है इनके परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रोसेसिंग के प्रॉब्लम्स हैं. वहाँ पर ये लोग जो हैं कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं यूज़ करते हैं वर्ड्स को याद करने के लिए या वर्ड्स को रिहर्स करने के लिए. सो इनके लिए ये सजेस्ट किया जाता है कि इनको मेमोरी स्ट्रेटजीज सिखाने की ज़रूरत है जिसमें रिहर्सल स्ट्रेटजीज आ जाती हैं जो कि इनके एकेडेमिक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती हैं. सो मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन हैज़ एटलीस्ट थ्री कंपोनेंट्स, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज टास्क रिक्वायरमेंट्स, सिलेक्ट एंड इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज एंड टू मोनिटर एंड एडजस्ट परफॉर्मेंस. रिगार्डिंग द फर्स्ट कंपोनेंट, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज सॉरी द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज टास्क रिक्वायरमेंट. Students with learning disabilities frequently have problems judging how difficult tasks can be. For example, they might approach the reading of highly technical information with the same level of intensity as when reading for pleasure. An example of problems with the second component, the ability to select and implement appropriate strategy. पहले क्या है कि वो recognize नहीं कर पाते हैं कि task की requirement क्या है, task का difficulty level क्या है. दूसरी बात क्या है कि द एबिलिटी टू सेलेक्ट एंड इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज, अगर वो एक टास्क सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें उनको नहीं पता कि उन्होंने कौन सी अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है इसको फिनिश करने के लिए, इससे गो थ्रू होने के लिए. अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज आर आस्क्ड क्वेश्चन सच एज हाउ कैन यू रिमेंबर टू टेक योर होमवर्क टू स्कूल इन द मॉर्निंग. दे डोंट कम अप विद द मैनी स्ट्रेटजीज, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग अ नोट टू योर सेल्फ, प्लेसिंग द होमवर्क बाय द फ्रंट डोर एज स्टूडेंट्स विदाउट डिसेबिलिटीज डू. अगर आप उसे कह दें कि आप होमवर्क स्कूल में लाना आपको याद रहे तो आप इसके लिए क्या करोगे, क्या स्ट्रेटजी यूज़ करोगे, तो वो इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं ये बता पाएगा कि मैं अपने लिए एक नोट बना लूँगा या मैं अपने होमवर्क की कॉपी बिल्कुल अपने दरवाजे के सामने रख के सोऊंगा या मैं अपनी टेबल पर रख के सोऊंगा या कोई भी ऐसी बात जो कि वो आपको बताए कि हाँ मैं इस तरह से प्लानिंग करूँगा. सो इनकी प्लानिंग जो है वो कैपेबिलिटीज़ इनकी इतनी अच्छी नहीं होती हैं और ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं अपने लिए प्लानिंग को. एन एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ मेटाकॉग्निशन डेट इज मोनिटर एंड एडजस्ट परफॉर्मेंस, द एबिलिटी टू मोनिटर और एडजस्ट परफॉर्मेंस इज कॉम्प्रीहेंशन मोनिटरिंग. कॉम्प्रीहेंशन मोनिटरिंग कहलाती है अपनी परफॉर्मेंस को खुद ही मोनिटर करना और उसे एडजस्ट करना, कॉम्प्रीहेंशन मोनिटरिंग कहलाती है. कॉम्प्रीहेंशन मोनिटरिंग रेफर्स टू द एबिलिटीज एम्प्लॉयड वाइल वन रीड एंड अटेम्प्ट टू कॉम्प्रीहेंड टेक्सचुअल मटेरियल. मैनी स्टूडेंट्स विद रीडिंग डिसेबिलिटीज हैव प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जाम्पल इज इन बींग एबल टू सेंस वैन दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वट दे आर रीडिंग. गुड रीडर्स कैन सेंस दिस एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट सच एज स्लोइंग डाउन और री रीडिंग डिफिकल्ट पैसेजेस. स्टूडेंट्स विद रीडिंग प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो लाइकली टू हैव प्रॉब्लम्स इन पिकिंग आउट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. एक तो वो पढ़ नहीं पाते हैं इतने अच्छे तरीके से, फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाते हैं, अगर वो पढ़ते हैं तो उनके हर लाइन की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है और वो री रीड नहीं करते हैं, स्लो डाउन की स्ट्रेटेजी थोड़ा आहिस्ता पढ़ना थोड़ा जल्दी से पढ़ना इन या दोबारा बार बार पढ़ना जो पैसे समझ नहीं आए, इस तरह की वो रीडिंग स्ट्रेटेजीज नहीं यूज़ कर पाते हैं ये बच्चे. इसी वजह से जो अगर ये पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें वो क्या सेंस कन्वे कर रहा है पैराग्राफ, ये उस आइडिया को भी कैचअप नहीं कर पाते हैं. सो इनके साथ मेमोरी और मेटाकॉग्निटिव के प्रॉब्लम्स जो हैं वो साथ साथ चल रहे होते हैं कि मोनिटर और एडजस्ट परफॉर्मेंस खुद से ही ये समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पर इनको अपने ही रीडिंग प्रॉब्लम्स को फॉर एग्जांपल समझने की ज़रूरत है.
So let's come to the fifth characteristics, that is social emotional problems. Although not all, perhaps not even a majority of children with learning disabilities have significant social emotional problems, they do run a greater risk than do their peers without disabilities to ha of having these type of problems. For example, they are at a greater risk for depression, social rejection, suicidal thoughts, and loneliness. For those who experience behavioral problems, the effects can be long lasting and devastating. ये बच्चे जो हैं क्या प्रॉब्लम होते हैं इनको कि ये काफ़ी ज़्यादा फेलियर को फेस कर चुके होते हैं. फेलियर को फेस करने की वजह से इनको डिप्रेशन होता है, सोशल रिजेक्शन फील करते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं रहते हैं, और लॉनलीनेस होती है. इसके अलावा अगर बिहेवियर प्रॉब्लम्स इनमें क्रिएट हो जाएं तो वो लॉन्ग लास्टिंग और डिवास्टेटिंग होते हैं. इन एडल्टहुड द स्कार्स फ्रॉम ईयर्स ऑफ रिजेक्शन कैन बी पेनफुल एंड नॉट ईजिली हील्ड. एडल्टहुड तक पहुँचते पहुँचते इनको इतनी रिजेक्शन फेस कर चुके होते हैं ये कि उसके जो आप कह लें जहम है कि वो जल्दी नहीं भरते हैं उस रिजेक्शन के, जो रिजेक्शन ये अडल्टहुड तक पहुँचते पहुँचते फेस कर चुके होते हैं. One plausible reason for the social problem of some students with learning disability is that these students have deficits in social cognition. Social cognition के problem होते हैं, social setting के problem होते हैं. Social cognition क्या है कि दूसरों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, दूसरों के साथ मिलना कैसे है, खुद को किसी दूसरे की सिचुएशन में रख के कैसे सोचना है, जैसे एम्पथी कहते हैं. ठीक है, तो ये लोग जो हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों को रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं, ये दूसरों को सूद नहीं कर पाते हैं अपने वर्ड्स के साथ. मतलब इंडिविजुअल्स हु एग्जिबिट दिस कंस्टेलेशन ऑफ बिहेवियर आर रेफर टू एज हैविंग नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़. और इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनको नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, क्योंकि ये दूसरों की जगह पर खुद को रख के नहीं सोचते हैं, दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं. ठीक, फिर आ जाते हैं मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स. पीपल विद लर्निंग डिसेबिलिटीज में अपेयर कंटेंट टू लेट इवेंट्स हैपन विदाउट अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस देम. ये क्या करते हैं कि मतलब चाहते हैं कि जो हो रहा है वो होता रहे, उसको कंट्रोल करने की, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इनकी मोटिवेशन का जो लेवल है वो ही नहीं होता है. साइकोलॉजिस्ट रेफर टू दिस एज एन एक्सटर्नल रादर देन एन इंटरनल कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड लोकस ऑफ कंट्रोल. मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही इनको कंट्रोल कर रहा होता है, ये खुद से अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन से कोई भी काम करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि इतने सालों की फेलियर को फेस करने के बाद इनकी लर्न्ड हेल्पलेसनेस जो है वो डिवेलप हो चुकी होती है. लर्न्ड हेल्पलेसनेस क्या है? टेंडेंसी टू गिव अप एंड एक्सपेक्ट द वर्स्ट बिकॉज दे थिंक दैट नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई दे विल फेल. लर्न्ड हेल्पलेसनेस क्या है कि वो कहते हैं कि उनको पता है कि हम जितने मर्जी ट्राई करेंगे हम फेल होंगे. सो वो ये सीख चुके हैं. उसके बाद आ जाती है बात इनएक्टिव लर्नर विद स्ट्रेटेजी डेफिसिट्स, जो कि इनका लास्ट करेक्टरिस्टिक है. मैनी ऑफ द साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर करेक्टरिस्टिक्स वी हैव डिस्क्राइब्ड कैन बी समड अप बाय सेइंग दैट द स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी इज एन इनएक्टिव लर्नर. लैकिंग इन स्ट्रेटेजीज फॉर अटैकिंग एकेडेमिक प्रॉब्लम्स, स्पेसिफिकली रिसर्च डिस्क्राइब द स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज एज समवन हु डज नॉट बिलीव इन हर ओन एबिलिटीज, हैज एन इनएडिक्वेट ग्रास्प ऑफ व्हाट स्ट्रेटेजीज आर अवेलेबल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हैज प्रॉब्लम्स प्रोड्यूसिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रेटेजीज स्पॉन्टेनियसली. द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द कंस्टेलेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दैट स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज कैन हैव डिफिकल्टीज वर्किंग इंडिपेंडेंटली, दे आर नॉट लाइकली टू बी सेल्फ स्टार्टर्स. वो सेल्फ स्टार्टर्स नहीं होते हैं, कोई होमवर्क आपने उन्हें दे दिया, कोई असाइनमेंट दे दी है, वो खुद से उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको उन्होंने लर्न्ड हेल्पलेसनेस सीख चुके हुए हैं. वो सेल्फ स्टार्टर्स नहीं हैं, पुअर मेटाकॉग्निटिव स्किल्स हैं कि उनको नहीं पता कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरह से करना है. सो वो लर्निंग के लिहाज से इतने अच्छे तरीके से उसको कॉप अप नहीं कर पाते हैं. होमवर्क इनका मेजर प्रॉब्लम होता है कि होमवर्क की स्ट्रेटजीज या होमवर्क किस तरह से करना है वो इसको नहीं समझ पाते, क्योंकि जाहिर है इनको फुल टाइम सुपरविजन की ज़रूरत है, फुल टाइम प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत है एकेडमिक एक्टिविटीज से ग्रो थ्रू होने के लिए. सो दीज वर द साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज. वी डिस्कस्ड एकेडमिक प्रॉब्लम्स हेयर.
एकेडमिक में हमने ये डिस्कस किया कि उनको रीडिंग प्रॉब्लम्स है, रिटन लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं, दे हैव स्पोकन लैंग्वेज प्रॉब्लम्स एंड मैथ प्रॉब्लम, इन परसेप्चुअल परसेप्चुअल मोटर एंड जनरल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स. वी डिस्कस दैट दे हैव विजुअल, ऑडिटरी एंड मोटर परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स. इन डिसऑर्डर्स ऑफ अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी वी डिस्कस दैट दे गेट डिस्ट्रैक्टेड